Hi everyone, welcome to the fourth part of Demand and Supply. And uh, today we are going to discuss a little bit detail about the price effect that is substitution and income effect. Hopefully, this concept is very much clear. Now we are going into the practical aspect how this thing actually works. Let's say this is a budget equation, budget equation as in a consumer has this much income and at a given Price of two commodities, the person can actually afford a different set of quantities. So, let's say this is the budget set or the income set which the particular consumer is following. At price this much and with given income of 2000, a consumer can afford a combination of say 40 and 80 quantity. Suppose the price of the X goes down by 5 rupees, that is, it halves. Now, the quantity of X. कितनी बढ़ती है बिकॉज ऑफ दी खुद के प्राइस के गिरने की वजह से कितनी खुद की क्वांटिटी बढ़ती है That is known as price effect. इसको दो में में बताया है, substitution effect. क्यों क्योंकि मेरा प्राइस गिरा तो मैं के comparison में सस्ता दिखूंगा ठीक है सो रिलेटिव टू वाई रिलेटिव टू वाई मैं डबल बढ़िया हो गया रिलेटिव टू वाई मैं डबल बढ़िया हो गया पहले ट्वेंटी बाय टेन मैं टू टाइम्स मतलब मैं अगर अपने आप को छोड़ू मैं अगर अपने आप को छोड़ के अगर ये लूँ तो मैं हाफ़ एक्स ले सकता था अब मैं अब क्योंकि ये फाइव का हो गया अब मैं ज़ीरो पॉइंट टू फाइव में मैं वाई ले सकता हूँ मतलब मैं कम वाई ले सकता हूँ पहले लेट से एक्स एक कमोडिटी है एक्स को पे करके मैं वाई ले सकता हूँ लेट से तो मुझे आधा अगर मुझे अगर मेरे पास दो एक्स होंगे तो जाके मैं एक वाई ले सकता हूँ अब मुझे चार एक्स चाहिए अरे पहले दो रुपये देता था एक मिनट के लिए एक्स को रुपये समझो जरा पहले मैं दो रुपये देता था और एक वाई ले लेता था अब मुझे चार रुपये चाहिए तो जाके मैं एक वाई ले पाऊँगा तो ये महंगा हो गया इट इज़ बिकमिंग रिलेटिवली महंगा वाई तो इसलिए लेंगे लेट्स द क्वान्टिटी हमारी फोटी से सिक्सटी हो गई हमारी क्वान्टिटी फोर्टी से सिक्सटी हो गई सब्सटिट्यूशन इफेक्ट कितना हुआ सिक्सटी माइनस फोर्टी दैट इज़ ट्वेंटी सब्सटीट्यूशन इफेक्ट इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड ये हमेशा ऐसा होगा कि अगर किसी कॉम्पिटिटर से मैं अपना प्राइस कम करता हूं तो मेरी डिमांड बढ़ेगी ही बढ़ेगी दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव क्या है अभी समझेंगे हम विद इन टू और थ्री मिनट्स जब प्राइस टेन से फाइव हुआ तो मेरी इनकम कॉन्स्टेंट है इनकम इफेक्ट क्या कहता है मैं उतने ही पैसों से ज़्यादा ले पाता हूं अब वो उतने ही पैसों से मैं ज़्यादा लेना चाहूंगा या नहीं लेना चाहूंगा दैट डिपेंड्स ऑन किस तरह का गुड़ है अगर नॉर्मल गुड़ है तो लूंगा नॉर्मल गुड़ है तो लूंगा इन्फीरियर गुड़ है तो नहीं प्रेफर करूंगा लेकिन क्योंकि वो इन्फीरियर गुड़ दूसरे इन्फीरियर गुड से सस्ता हो गया तो इसको प्रेफर करूंगा तो उस केस में सब्सटीट्यूशन इफेक्ट तो बढ़िया लगेगा कि ले लो गुड को और इनकम इफेक्ट करेगा यार मत लो लेकिन सब्सिट्यूशन इफेक्ट आउट पावर करेगा इनकम इफेक्ट को और कोई नॉर्मल सा गुड है तो उस केस में सब्सटीट्यूशन भी कहेगा अरे उससे सस्ता हो गया ले लो नॉर्मल गुड है अरे मेरी इनकम अब इतनी इनकम में अब मैं ज़्यादा अफोर्ड कर सकता हूँ ले लो तो नॉर्मल गुड में सब्सिट्यूशन इफेक्ट भी कहता है ले लो इनकम इफेक्ट भी कहता है ले लो दैट इज बोथ आर पॉजिटिव इन्फीरियर में सब्सटीट्यूशन कहता है ले लो ये तो हमेशा ही कहेगा ले लो क्योंकि दूसरे के कंपेरिजन में बेटर है ले लो लेकिन इनकम इफेक्ट मेरी इनकम रिलेटिवली बढ़ गई जे उतनी इनकम से मैं ज़्यादा ले सकता हूँ अब मैं ज़्यादा लूंगा या नहीं लूँगा दैट डिपेंड कि वो गुड कैसा है अगर वो इन्फीरियर गुड है नॉन गिफिन इन्फीरियर मतलब थोड़ा सा इन्फीरियर है ज़्यादा कुछ नहीं है तो उस केस में ये इफेक्ट आउट पावर कर देगा लॉ ऑफ डिमांड लगेगा लेकिन अगर गिफेन इन्फीरियर गुड है बहुत ही घटिया गुड है उस केस में मेरे इनकम इफेक्ट आउट पावर कर देगी सब्सिट्यूशन इफेक्ट और यहाँ पे इनकम इफेक्ट नेगेटिव होगी सब्सटीट्यूशन इफेक्ट पॉजिटिव होगी नेट नेट में नेगेटिव आंसर आएगा तो जिसका इफेक्ट जिसका प्राइस इफेक्ट नेगेटिव होता है वो गिफेन इन्फीरियर होते हैं जिसका सब्सटीट्यूशन इफेक्ट आउट आउट पावर कर देता है इन uh, 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 कह सकते हैं कि प्राइस दैट इज द इनकम इफेक्ट को तो उस केस में सब्सटीट्यूशन इफेक्ट इज ग्रेटर दैन इनकम इफेक्ट तो उस केस में वो एक नॉन गिफिन इन्फीरियर गुड होता है और जहां पे सब्सटीट्यूशन भी पॉजिटिव है और इनकम इफेक्ट भी पॉजिटिव है दैट इज अ नॉर्मल गुड ठीक है प्रैक्टिकली करना कैसे ये तो बता दें थियोरिटिकली हाउ दिस थिंग वर्क्स जब भी प्राइस टेन से फाइव आएगा तो उस केस में हम ये मान के चलते हैं कि लेट्स से कमोडिटी है एक्स जैसे हमने बात की थी एक्स कमोडिटी के हम ये मान के चलते हैं कि वो बंदा अब से आपसे एक चार्ज मांगेगा कि आपके लिए चीज़ सस्ती तो हो गई है लेकिन आपको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे सच दैट कि आपकी रियल इनकम कॉन्स्टेंट रहे मेरी 2000 इनकम थी अब ये चीज़ सस्ती हो गई अब मैं उतने ही पैसों से ज़्यादा ले पाऊँगा लेकिन मंदा कहता है, नहीं 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 आपको मैं काम करता हूँ आपसे मैं एक, एक, एक एक्स्ट्रा चार्ज लूंगा दैट इज़ ए और सच दैट कि आपकी रियल इनकम सेम रहे अब रियल इनकम सेम करके फायदा क्या होगा रियल इनकम सेम करके मैं देखूंगा अब भी मैं क्या उस गुड़ को लेना चाहूंगा नहीं 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 मेरा मन करता है यार अब भी मैं उस गुड़ को लेना चाहूंगा तो अब भी जो मैं उस गुड़ को लेना चाहूंगा दैट इज बिकॉज ऑफ सब्सटीट्यूशन इफेक्ट लेट से कोई चीज का प्राइस टेन थी बाद में जाके वो प्राइस फाइव होगी और मैंने बोला आपसे मैं एक चार्ज करूंगा और वो चार्ज की वजह से आपकी इनकम इफेक्ट इनकम इफेक्ट को मैं नलीफाई कर रहा हूं फिर भी आप पहले हंड्रेड क्वान्टिटी लेते थे अब आप वनड्रेड ट्वेंटी ले रहे हो तो ट्वेंटी क्वान्टिटी का इफेक्ट किस वजह से आया बिकॉज ऑफ सब्सिट्यूशन इफेक्ट अब क्वेश्चन फिर से रिफ्रेम करते दे ट्वेंटी ट्वेंटी क्वान्टिटी याद रखना प्राइस टेन से फाइव हो गई आप 100 से 150 क्वांटिटी कर रहे हो तो 50 किसकी वजह से हुआ प्राइस इफेक्ट और प्राइस इफेक्ट मतलब क्या होता है सब्सिट्यूशन प्लस इनकम इफेक्ट सब्सटीट्यूशन का हमें पता आंसर ट्वेंटी है प्राइस इफेक्ट की वजह से टोटल हमारी हम 50 क्वांटिटी डिमांड अब भूल जाओ कि हमने कोई एक्स्ट्रा चार्ज की बात की थी टोटल हम 50 डिमांड कर रहे हैं तो 30 हो गया बिकॉज ऑफ इनकम इफेक्ट इनकम इफेक्ट कभी भी कैलकुलेट नहीं कर सकते इनकम इफेक्ट हमेशा बैलेंसिंग फिगर से आएगा होप दिस थिंग इज एक्चुअली क्लियर वेबलेन गुड्स या लग्जूरियन लग्जरियस लग्जूरियस गुड्स में लॉ ऑफ डिमांड एक्ट नहीं करता वहां पर अगर कोई चीज की प्राइस बढ़ती है गोल्ड हो गया आईफोन हो गया जो भी लग्जरी आइटम्स देखते हैं तो अगर उनके प्राइस बढ़ते हैं तो उनकी डिमांड और बढ़ती है बिकॉज दे आर सीन एज लग्जरी और कोई भी लग्जरी के लिए के, ये नहीं कहता कि बहुत सस्ती होगी डायमंड की रिंग सस्ती होगी चलो अब हम टेन फिंगर्स में हम डायमंड रिंग पहनेंगे दस दस रुपए की बीस बीस रुपए की डायमंड रिंग होगी सो इट डोंट हैपन लाइक दिस तब उसकी वैल्यू डिक्रीज हो जाती डिमांड कम हो जाती है अगला कॉन्सेप्ट आता है हमारा सप्लाई विच इज़ ऑपोजिट ऑफ डिमांड वही लगेगा सप्लाई क्वांटिटी सप्लाइड एंड सप्लाई क्या डिफरेंस होता है खुद के प्राइस के वजह से अगर क्वांटिटी में चेंज है दैट इज़ नोन एज क्वांटिटी सप्लाइड और खुद के प्राइस के अलावा किसी और फैक्टर की वजह से अगर क्वांटिटी में लोग अगर चेंज करें सप्लायर अगर चेंज करें दैट इज़ नोन एज नॉर्मल सप्लाई ठीक है ना तो एक मार्केट इक्विलिब्रियम में ये एक ये एक सप्लाई कर्व होता है ये एक डिमांड कर्व होता है और जहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट करते हैं वहाँ पे प्राइस आता है जिस तरह से कंज्यूमर सरप्लस की बात की थी इसी तरह से प्रोड्यूसर सरप्लस भी होता है और सप्लायर सप्लाई बताता है कितना सप्लायर सप्लाई करना चाहता है फ्री इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम कैसे आता है मार्केट क्लियरिंग प्राइस से डिमांड सप्लाई इंटरसेक्शन से जैसे आपको बताया था एक कॉज की बात करते हैं और इम्पैक्ट की बात करते हैं लेट से कोई चीज़ की डिमांड बढ़ रही है डिमांड बढ़ रही है तो प्राइस के बारे में कह सकते हैं प्राइस बढ़ेगा किसी चीज़ की डिमांड बढ़ रही है तो प्राइस बढ़ेगा किसी चीज की सप्लाई बढ़ रही है मैं एक सप्लायर हूँ मैं कोई चीज सप्लाई करता हूँ और मेरे पास बहुत सारी क्वांटिटी है उस चीज की मैं सप्लाई करते जा रहा हूँ करते जा रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा प्राइस को कम करना पड़ेगा ये कहता है प्राइस बढ़ेगा ये कहता है प्राइस गिरेगा तो प्राइस के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते सप्लायर सप्लाई बढ़ाते जा रहा है क्वांटिटी ज्यादा ज्यादा बढ़ती जा रही है डिमांड करने वाला और डिमांड कर रहा है क्वांटिटी बढ़ती जा रही है तो क्वांटिटी के बारे में कह सकते हैं डिमांड कम हो रही है किसी चीज की डिमांड कम हो रही है तो उस डिमांड को कैसे ठीक करेंगे प्राइस को कम करके सप्लायर कह रहे हैं मेरे पास बहुत सामान है बहुत सामान है तो वो ज्यादा सामान सेल करने के लिए क्या करेगा प्राइस को कम करेगा तो प्राइस कम होगा ही होगा अगर किसी चीज की डिमांड कम हो रही है क्वांटिटी कम लोग लेंगे अगर किसी चीज की सप्लाई बढ़ रही है तो सप्लायर ज्यादा सप्लाई करेगा ज्यादा क्वांटिटी होगी तो यहां पे कुछ डिसीजन नहीं कह सकते सेम ऑपोजिट केसेस है जहाँ यहाँ पे आप अपना लॉजिक लगाइए और यहाँ पे आप आंसर निकाल सकते हैं वन थिंग इज यू एक्चुअली रिमेंबर द थिंग द अदर थिंग इज कि आप इसको रटो कि किस पे इंक्रीज है किस किसपे करंट्स है एंड अनदर थिंग इज यू थिंक फ्रेश यू थिंक लॉजिकली क्या होना चाहिए एंड अकॉर्डिंगली जैसे मैंने यहाँ भी लिखा है यूज कॉमन सेंस आगे का हम कॉन्सेप्ट नेक्स्ट सेशन में करते हैं थैंक यू बाय बाय